दोस्तों स्टडी 91 की हिंदी की इस टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक्चुअली में दोस्तों आज हम किसी टेस्ट सीरीज़ पे बात नहीं करने वाले हैं, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पेशली एक चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है समास। ठीक है, हिंदी में समास चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों ऐसा क्या है कि मुझे अचानक से इस चैप्टर के ऊपर कोई वीडियो बनाना पड़ गया। देखिए अभी तक में क्या हुआ कि हम लोगों ने हिंदी के टॉप 20 सीरीज़ को कम्प्लीट किया, यानी 20 सीरीज हिंदी की समाप्त हो गई और लगभग 450 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया। और मुझे लगता है कि स्पेशली 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपसे बहुत गलतियां होती हैं। सपोज करिए समास ऐसी टॉपिक हो गई, संधि ऐसी टॉपिक हो गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गया, और उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के टॉपिक हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों आज मैंने सोचा क्यों ना 20 दिन की सीरीज पूरी हो चुकी है तो 21वें दिन आपको कुछ स्पेशल दे दिया जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका टेस्ट भी बदल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ समास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी अगर ये 50 प्रश्न पे आप प्रैक्टिस कर लो तो समास वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपको पूरी तरीके से रट जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आप देख रहे हैं स्टडी 91, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते हैं कि आज आपको कितने नंबर मिलने वाले। एज अ टेस्ट आपको ये देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दे रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपको बताना दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, विच्छेद होता है, विग्रह होता है, संक्षेप होता है या विस्तार होता है। ठीक है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ऐसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि समास विग्रह है, नहीं, संधि विच्छेद होता है और समास जो होता है संक्षेप होता है। ठीक है, आप बात को समझिएगा, संक्षेप संक्षेप में प्रस्तुत करता है समास। जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों कि राजपुत्र, राजपुत्र मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। तो हमने मुझे लिखना पड़ता है यहां पर राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र और क्या हो जाता है? राजपुत्र हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने छोटे में इसको लिख दिया राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र, और यहाँ पर संक्षेप में उसको लिख दिया गया। तो ये वाला जो पोर्शन है इसी को तो हम समास कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। दूसरा दे रहा है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। आपको बताना है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, पहला दे रहा है बहुव्रीहि, दूसरा दे रहा है द्वंद्व, तीसरा दे रहा है तत्पुरुष और चौथा दे रहा है द्विगु समास। देखिए द्विगु तो केवल नंबरिंग के लिए आता है। ठीक है, और द्वंद्व थोड़ा सा अपोजिट सेंस लेके चलता है, बहुव्रीहि पर्यायवाची होता है। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। याद रखिएगा तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। यदि समानाधिकरण होगा तब, ठीक है, समानाधिकरण होगा तब होगा कर्मधारय, अदरवाइज कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष। ठीक है, आगे दे रहा है दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है दो शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द जो बनते हैं उनको अव्यय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अव्यय बोला जाता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें अव्यय भाव समास है। यथा एक अलग शब्द है और शक्ति एक अलग शब्द है। ठीक है, और यथा से लगा करके आपने एक नया शब्द बना दिया शक्ति का आगे जोड़ करके, यथा शक्ति। जैसे प्रति दिन, ठीक है, तो दिन एक अलग शब्द है और प्रति एक अलग शब्द होता है, और दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना दिए प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति एक। ठीक है, बहुत सारा बन गया, तो अव्यय होता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दे रहा है कि आ जन्म में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए दोस्तों आ जन्म में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आ भी क्या है? एक तरह का अव्यय है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आ जन्म होता है, ठीक है, ऐसे आ से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे गमन के आगे आगे अगर हमने आ लगा दिया तो आगमन हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? तो याद रखिए सेंस बदलता है, तो अव्ययी भाव समास यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव आप ऐसे समझ लिया करो जैसे आप उपसर्ग लगाते हो ना, अगर कोई उपसर्ग लगता है, जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, ठीक है, उसी तरह से अनु उपसर्ग होता है, अन उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है, बहुत सारे होते हैं, तो जो उपसर्ग होते हैं उसी तरह से आप सेम टू सेम होता है अव्ययी भाव समास भी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज अब यहां पर बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्म धारा। देखिए यहां पर द्विगु समास नहीं दे रहा है। ठीक है, द्विगु नहीं दे रहा है, द्विगु होता तो नंबरिंग करता, चार भुजाओं को चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा यहां पर फोकस करिएगा,
चतुर्भुज, चतुर्भुज के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंस हमारा ये आता है, चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु को भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को चतुर्भुज, उनके पास चार हाथ हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगर द्विगु दिया भी रहता तो भी बहुव्रीहि हो जाता, क्यों? क्योंकि द्विगु को ऊपर हावी पड़ जाता है बहुव्रीहि। मैंने आपको बताया था याद करने का टेक्निक, ठीक है। जैसे दशानन, दशानन क्या है, अब इसमें दस क्या है, संख्यावाचक है, इस वजह से यहाँ पर द्विगु होना चाहिए, लेकिन यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो आप बहुव्रीहि टिक करेंगे, क्योंकि दशानन रावण को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, एक तीसरा अर्थ आपको समझाता है यहाँ पर, चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे तरह विद्यार्थी में कौन सा समास है, अभी दो दिन पहले मैं पढ़ा रहा था तो शायद मुझसे कुछ गलती हो गया था और मैंने वहां पर आई थिंक कर्मधारय बोल दिया था, ठीक है, कर्मधारय नहीं होगा दोस्तों। विद्यार्थी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, कौन सा है, तत्पुरुष। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि सर आपने गलत पढ़ाया, हाँ बिल्कुल सही है, आप बोला करो, जहां कहीं भी गलती हो आप बोला करो, बोलना आपका कर्तव्य है, ठीक है। ऐसा नहीं, आप विद्यार्थी हो, आप एक शिक्षित वर्ग के हो, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, आपको हमेशा सही सीखना है। तो यहाँ याद रखिएगा, विद्यार्थी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों, देखिए चक्रपाणी किसे कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है, जो चक्र को धारण किए हुए हैं, तो याद रखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से चंद्रशेखर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, भगवान शिव, ठीक है, तो उनको इसलिए चंद्रशेखर में भी क्या कर सकते हो आप, बहुव्रीहि समास हो सकता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है, देखिए अपोजिट सेंस आ गया ना, इससे माता पिता भाई बहन, पाप पुण्य, दे सुर असुर, ठीक है, धर्म अधर्म, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो होता है यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है, क्या होता है, द्वंद्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पाप पुण्य माता पिता सुख दुख लाभ हानि, ठीक है, ये सब में क्या कौन सा समास है, सब में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर ब वाला सही हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे दे रहा है कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, देखिए दो पद होता है, एक उत्तर पद होता है, पूर्व पद होता है, तो आप समझ रहे होंगे पूर्व पद मतलब क्या होता है, पहले वाला पद, उत्तर वाला पद मतलब बाद का पद, तो सीधे सीधे आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा समास ऐसा होता है जिसका बाद का पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास की खासियत होती है, ठीक है, तत्पुरुष समास की खासियत होती है, उसमें बाद का पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तो तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। अगला दे रहा है वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, जैसे यथाशक्ति बना था ना, यथाशक्ति, ठीक है, प्रतिदिन, उसी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, पहला पद जो है प्रधान होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में, ठीक है, ये सब याद रखिए, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो संख्यावाची होना ही वह कौन सा पद को बताता है, द्विगु आ गया, जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैंने कह दिया चौराहा, ठीक है, मैंने आपसे कह दिया सप्तर्षि, ठीक है, सप्तर्षि, तो इसका मतलब क्या है, आगे सप्त लगा है ना, सप्त से सात हो जाएगा और यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिए जहाँ कहीं भी संख्यावाचक आ जाए वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल में दोस्तों पहले ही आपको बताया गया है, यहाँ पर नील भी स्पेशल है, कमल भी स्पेशल है, तो दोनों जब स्पेशल हो जाएँ तो याद रखिए कर्मधारय हो जाएगा, जब केवल आखिरी वाला होगा तो तत्पुरुष हो जाएगा, जब पहला वाला होगा तो अव्ययी हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है, चरण कमल में, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल में कौन सा समास है, तो वहां भी कौन सा रहेगा, कर्मधारय समास है, तो नील कमल में भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद गौड़ होता है, प्रधान नहीं गौड़ की बात कर रहा है, वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद गौड़ होता है, तो याद रखिए तत्पुरुष समास का, कौन सा, तत्पुरुष समास का प्रथम पद गौड़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। कौन सा समास है जिसका अन्य पद प्रधान होता है, अन्य मतलब कोई दूसरा पद प्रधान होता है, तो वह क्या हो जाता है, एक पर्यायवाची का सेंस देता है, जैसे अगर मैंने कहा लंबोदर, ठीक है, तो लंबोदर बोलते ही आपको भगवान गणेश की याद आ गया होगा, ठीक है, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो रहा है, बोल रहे हो लंबोदर और प्रधान कौन बन रहा है, गणेश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा,
जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि, आगे देखिए, कौन सा शब्द समस्त पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ बताना, निस्दिन पंचानन त्रिभुवन पुरुष सिंह। मैंने क्या कहा, बहुव्रीहि समास वहाँ पे होगा जहाँ पर आपको कोई तीसरा सेंस मिले, और पंचानन पाँच आनन वाले, ठीक है, जिसके पास पाँच मुख हो उसको पंचानन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंचानन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर आपको त्रिभुवन से कुछ याद आ रहा है तो त्रिभुवन नहीं होता दोस्तों, त्रिदेव होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए त्रिदेव बोलता तो उसके लिए आप बहुव्रीहि कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर आप नहीं करोगे। बाकी यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंचानन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, चौराहा में कौन सा समास, अभी पीछे पढ़ाए हो, देखिए आगे आ भी गया, चौराहा में कौन सा है, तो नंबरिंग आ गया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आगे है, दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ, ठीक है, इसमें कौन सा समास है दोस्तों, तो बताइए जल्दी से, बहुव्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष या कर्मधार है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कौन सा है, दीनानाथ में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीनानाथ, चरण कमल, नील कमल, ये सब याद रखिए, ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे दीनानाथ के लिए भी पर्यायवाची है, बहुव्रीहि कर सकते हो लेकिन करिएगा मत, ठीक है। बार बार हर चीज़ पर अगर बहुव्रीहि निकाल देंगे, देखिए बहुव्रीहि हमेशा पर्यायवाची के लिए होता है, समानार्थक के लिए नहीं, मतलब अगर उसके आसपास का अर्थ दे रहा तो उसके लिए भगवान को दीनानाथ कहा जाता है, सभी भगवान को, किसी स्पेशल को तो कहा नहीं जाता है। तो याद रखिए यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, वो आपका सही उत्तर है। परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों, परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है, परम धनी ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है, परम धनी ईश्वर यानी क्या हो जाएगा, गुड़ संधि हो गया, एक मात्रा देखकर टिक करिएगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, परमेश्वर में परम और ईश्वर दोनों ही क्या है, प्रधान होता है, और इसलिए यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। आगे देखिए, वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते, पीछे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, दोनों पद प्रधान की श्रेणी। अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है, एक पद, अब अभी देखिए ऊपर आपने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। जबकि तत्पुरुष में आपने क्या पढ़ा, पहला पद गौण, उत्तर पद प्रधान, ठीक है, द्वंद्व समास ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे, माता और पिता में बताओ आप किसको प्रधान ना मानो, किसको प्रधान मानोगे और किसको गौड़ मानोगे, बताओ, लाभ हानि में किसको गौड़ मानोगे, किसको प्रधान मानोगे, ठीक है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे देखिए, करा अनुगुण, अनुगुण, अनुगुण में कौन सा समास है दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अनु लगा करके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे अनु लगा करके आपने बना दिया अनुचर, ठीक है, अनु लगा करके आपने बना दिया क्या, अनुराग, राग से अनुराग बना दिया, ठीक है, अनुचर, अनुराग, अनुभव, ठीक है, इसी तरह से अनुगुण। तो याद रखिएगा यहाँ पर अनु अगर अव लिख देता अवगुण, तो अव भी क्या है, अव भी एक तरह का क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्गों के लिए हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पर द वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रोगग्रस्त में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, रोगग्रस्त में कौन सा समास है, ठीक है, रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर हो जाएगा, रोगग्रस्त में, ठीक है। आगे देखिए, करा छुट भैये में कौन सा समास है, छुट भैये मतलब छोटे भैया को कहा जाता है, ठीक है, छुट भैये में यहाँ कौन समास है, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ कर्मधारय समास होगा। ये थोड़ा सा अपवाद की कंडीशन में आता है, अपवाद क्या, अगर आप इसके पीछे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि तत्पुरुष मार दें क्या टिक, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पर छुट भैये में कर्मधारय समास है, गलती मत करिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो अपने आप को जो है याद करिएगा कि स्टडी 91 पे आपको सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। छुट भैये में कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए दोस्तों, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, ठीक है, तत्व, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। तो अष्टाध्यायी आपको आगे अष्ट दिख रहा है, और अष्ट माने क्या होता है, आठ होता है, तो जहां पर नंबरिंग आ जाए, संख्यावाचक हो जाए, वहीं पर तो द्विगु समास होता है। देखिए ये स्पेशली समास वाला चैप्टर पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो सभी कंफ्यूजन आपके जल्दी से दूर कर दिए जाए। 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखिए हमारा टारगेट हमेशा क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है ना कि आप बेस्ट करो, आपको इतना बेस्ट बनाना है कि हिंदी में अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम में हिंदी आए तो आपको 100% मार्क पाने। अगर 50 नंबर की हिंदी का पेपर है तो पूरे के पूरे 50 मार्क्स आपके होने चाहिए, 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के मार्क्स आपके होने चाहिए। उसी लिए दोस्तों यहां मेहनत होता है, ठीक है। यहां पर पैसे कमाने के लिए नहीं कुछ होता है कि नहीं यार पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान बांटना है, ज्ञान को कभी पैसों से तौला नहीं जा सकता, ठीक है। और जो लोग ज्ञान को तौल कर बेचते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी नफरत है, और उन्हीं के लिए मैं अपनी व्यवस्था बना रहा हूँ कि
बच्चों को कितना कुछ सिखा दूँ, कितना सिखा दूँ उनको, वो खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, आज जो शिक्षा का कमर्शलाइजेशन हो रहा है और जितनी तेज़ी से उसका व्यवसायीकरण हो रहा है और जिस तरह से शिक्षा को पैसे के बराबर रख दिया गया कि पैसा हो तभी आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता, तो वो ट्रेंड मुझे ख़त्म करना। और ये सभी को काफ़ी लोगों को लगता है कि अकेले ख़त्म करना किसी की बस की बात नहीं, बट मुझे लगता है कि एक व्यक्ति में असीम पावर होती है। ठीक है, असीमित कार्य करने की शक्ति होती है और उसके लिए असीमित कार्य मैं करता भी हूँ। ठीक है, मैं कितना काम करता हूँ इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे घर, वैसे तो मेरे लिए सभी के लिए 24 घंटे ही होते हैं, बट याद रखो कि मैं 24 को 48 घंटे बना के काम करता हूँ। ठीक है, खाली इसलिए कि कैसे आपका भला हो जाए। जल्दी जल्दी आइए, फटाफट करते हैं। देशांतर में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, देशांतर में कौन सा समास है। ठीक है, देशांतर याद रखे दोस्तों, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, देश में अंतर, देशांतर। ठीक है, तो याद रखेगा देशों का अंतर देशांतर हो जाएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है उन्नतिशील में कौन सा समास है, उन्नतिशील। ठीक है, उन्नतिशील, अब ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल है। देखिए, द्वंद्व हो नहीं सकता और उन्नति को आप जैसे देखिए, अवगुण में अव हो सकता है अव्यय, लेकिन उन्नति में अगर आप चाहो कि अब यहाँ पे आप अव्यय बनाओ तो अव्यय नहीं बन सकता। और नंबरिंग है नहीं, देखिए नंबरिंग है नहीं इसलिए द्विगु काट दिया, दोनों पद प्रधान है नहीं इसलिए द्वंद्व काट दिया, अव्यय हो नहीं सकता, तो बचा क्या। आप कभी कभी यह भी सोचा करो कि जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है एलिमिनेट करके लेके आओ कि क्या नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसे कट कर देंगे तो सही तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो यहां पर है बहुव्रीहि समास उन्नतिशील में। अब आप सोचोगे सर पर्यायवाची तो यहां दिख नहीं रहा है, पर्यायवाची नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करेंगे, यहां पर आएगा बहुव्रीहि समास ही। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस अगर आप किए हो तब तो आप एग्जाम में बेस्ट करोगे, नहीं किए हो तो गड़बड़ हो जाएगा। निर्धन में कौन सा समास है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, निर्धन, निर्धन में कौन सा समास है। तो यहां पर देखिए, अभी देखिए नंबरिंग है नहीं तो द्विगु हो नहीं सकता है। ठीक है, तत् और द्वंद्व भी नहीं हो सकता है, बचा बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़ा टिपिकल है ये, और यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। 25वां 26वें क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, तो निर्धन हो जाए में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि निर्धन बोलते ही आपको आपके दिमाग में किसी गरीब व्यक्ति का एक इमेज बनता होगा। ठीक है, याद रखिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक है, निर्धन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखें, मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। ठीक है, मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन, और यहाँ पर तत्पुरुष समास है। देखिए टिपिकल क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा, गलती मत करिएगा, कर्मधारय मत जाइएगा। आपको लगेगा कि सर यहाँ पे मुख दर्शन, मुख और दर्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, तो क्या कर्मधारय कर लिया जाए, नहीं कर्मधारय मत करिएगा। यहाँ पर देखिए द्वंद्व और द्विगु तो ऐसे भी कट गया, कर्मधारय तत्पुरुष में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखिए मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन, और यहां पर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि मतलब जिसे तीसरा सेंस है, और तीसरा सेंस यहां पर जो आ रहा है दोस्तों वो किससे आ रहा है, लंबोदर से आ रहा है, क्योंकि लंबोदर जो है भगवान गणेश का क्या है, पर्यायवाची है, और बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, गणेश लंबोदर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीलकमल जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दे रहा है कि कौन सा उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण नहीं, द्विगु मतलब जहाँ पर संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो दशानन, दशानन में भी क्या द्विगु मार सकते हो, क्या आप दशानन में द्विगु कर सकते हो, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, मानना पड़ेगा। ठीक है, दशानन के लिए अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो द्विगु तो माना जाएगा ना, क्योंकि दस है आनन, मतलब जिसके पास 10 सिर हैं वो कौन है तो रावण। ठीक है, लेकिन दशानन में भी क्या है, द्विगु समास आप मानेंगे, गलती मत करिएगा न मानने का। ठीक है, फिलहाल एक बार चेक करते हैं पहले कौन सा है, शतांश, शतांश माने होता है दोस्तों सत, सत माने 100 हो जाएगा, 100 का अंश, तो यहां पर भी द्विगु है। त्रिफला में 3 फल, यहां पे भी द्विगु है। दोपहर में 2 पहर, यहां पे भी द्विगु है। और दशानन में 10 आनन, यहां पर भी द्विगु है। ऐसे में किसको द्विगु नहीं माने भाई, किसी ने किसी को तो चुनना होगा। तो ऊपर तीनों तो परफेक्ट सत्य हैं, क्यों द्विगु ही होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जबकि दशानन में आपके पास एक ऑप्शन भी बन जाता है कि भाई बहुव्रीहि कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बहुव्रीहि कर लिया जाता है। इस वजह से यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दशानन ही सही उत्तर हो जाएगा, कि ये द्विगु समास का नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी तीन एकदम परफेक्ट मैच करते हैं द्विगु समास पे। ठीक है,
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है? ठीक है, चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाले चक्रपाणि भगवान विष्णु को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्युगम, चार युग युगों को बता रहा है, चतुर्युगम यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और आपसे तो कर्मधारय पूछा है, माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा, इस वजह से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, नीलोत्पलम, नीला उत्पल। ठीक है, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नीलोत्पलम। ठीक है, आगे देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, जल्दी से बताइए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? एक मिनट दोस्तों, कुछ इधर हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे बताइए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ठीक है, देखिए जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों आ जाए ना, वहीं पे बनता है कर्मधारय। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, एकदम अलर्ट रहिएगा, जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों का योग बनता है वहाँ पर कर्मधारय समास आता है। इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए तो आप कहोगे सर हिंदी में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना दिया था कि किताब में मिलता ही नहीं है, वाकई आपको किताब में नहीं मिलेगा। और ये 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों एकदम परफेक्ट मैं ढूंढ के यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्यादान में दोस्तों कौन सा समास है बताइए, कन्यादान, कन्या का दान। ठीक है, तो कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी बताइए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कन्या का दान मतलब तत्पुरुष समास, भाई द्विगु संख्यावाचक द्वंद्व होगा नहीं, बहुव्रीहि होगा नहीं, तत्पुरुष आप कर दीजिएगा। मृग नयन, ठीक है, नयन कैसा है, मृग जैसा। ठीक है, मृग यानी मृग के नयन जैसा नयन है। ठीक है, तो मृग नयनों में कौन सा समास है, कर्मधारय। तारीफ वाली बात आ जाए ना, जैसे नीलोत्पलम, ठीक है, चरण कमल, चरण भी कैसा, कमल जैसा, नयन कैसा, मृग जैसा। तो जहाँ तारीफ वाली बात आ जाए उसको भी याद रखिएगा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास कर दीजिए। ठीक ठीक है, आगे बढ़िए, द्विगु समास का उदाहरण है, जहाँ पर नंबरिंग हो द्विगु कर दो। ठीक है, अभी देखिए, द्विगु अन्वय, दिन रात, दिन रात में तो द्वंद्व हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन मतलब जिसके पास चार आनन है, चार मुख है, मतलब भगवान ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा जी के पास चार मुख होते हैं, उनको चतुरानन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चतुरानन मत करिएगा, क्योंकि चतुरानन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। त्रिभुवन कर दीजिए, त्रिभुवन यहाँ पर द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है, और पीछे आया था तो हम लोग बताए भी थे कि त्रिभुवन में क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि यह नंबरिंग की बात कर रहा है, संख्यावाचक है, त्रि माने तीन। गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों, गौशाला मतलब गाय के लिए शाला। ठीक है, और इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला, ये सब में क्या है, तत्पुरुष समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है, ऐसा नर जो उत्तम हो। ठीक है, नरोत्तम तो उत्तम नर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बस मन लगा के पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई बड़ा मज़ेदार है। निशाचर, निशाचर शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी से बताइए, निशाचर, निशाचर किसे कहते हैं, राक्षस को कहा जाता है ना, निशाचर हमेशा राक्षस को कहा जाता है, दैत्य को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, एकदम सब सही होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों, अरे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए, देवासुर, अब ये बड़ा टिपिकल है, देखो इसमें मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। अब देवासुर को आप बांटो, पहले तोड़ के अलग करो, देव धन असुर दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, देवासुर हो जाएगा। तो देवता का अपोजिट सेंस देता है ना, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे लाभहानि था ना, बस वैसे ही है, देव और असुर। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास यहाँ पर होगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 हो गया, 40 में चलते हैं, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा, द्वंद्व मतलब क्या होगा, अपोजिट सेंस देगा। अब चौराहा में तो यार यहाँ पर तो संख्यावाचक हो जाएगा, तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर भगवान विष्णु को बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि कर सकते हो, बहुव्रीहि। ठीक है, या पीला अंबर, पीला अंबर के लिए बहुव्रीहि मत करो, इसके लिए आप कर दो कर्मधारय। ठीक है, एकदम कन्फर्म। ठीक है, कर्मधारय। धनुर्बाण, धनु मतलब धनुष और बाण, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, और यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, धनुर्बाण आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है। अभी पीछे बताया गया आपको कि वहीं पर कर्मधारय होता है जहाँ पर विशेषण विशेष्य आ जाता है,
कर्मधारय वहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो प्रति यहाँ पर क्या है? अव्यय है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समास 50 क्वेश्चन करने के बाद समास से आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, केयर करिएगा थोड़ा सा। वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव ही तो होता है, अव्ययी भाव में तो पहला पद अव्यय होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला पद अव्यय होता है। तन मन धन में कौन सा समास है? ठीक है, तन मन धन में कौन सा द्वंद बनेगा यहाँ पर? ठीक है, तन मन धन वही से लाभ हानि, ठीक है, उसी तरह से है, द्वंद समास यहाँ पे बनेगा तन मन धन में। गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी, और गगन चुंबी में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, गगन को चुमने वाला गगन चुंबी, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते, प्रधान नहीं, दोनों प्रधान हो जाएंगे तब तो द्वंद हो जाएगा, और दोनों अप्रधान हो जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो बहुव्रीहि हो जाता है, क्योंकि वहां पर तीसरा पद प्रधान होता है। अरे दोनों अप्रधान होंगे तभी तो तीसरा प्रधान होगा, और जब तीसरा प्रधान होगा तभी तो बहुव्रीहि होगा। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल नहीं है, आप रीजनिंग है इसमें, रीजनिंग हिंदी में रीजनिंग है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, इसके कहने का मतलब यह है कि उसका स्वयं का दोनों पद अप्रधान है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? कितने बार एक ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बताइए? चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको कहते हैं? चार भुजा वाले, और भगवान विष्णु का नाम आता है हमारे सामने, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बहुव्रीहि कर सकते हैं। बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप यहाँ पर द्विगुभी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, साफ साफ में कौन सा समास है? ठीक है, जैसे होता ना साफ साफ, या कभी कभी आप जाता आपके सामने धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास है? साफ साफ में कौन सा समास है? ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी याद रखिए अव्यय भाव समास करेगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, और कई लोग यहाँ पर द्वंद टिक कर देते हैं, द्वंद नहीं होगा, अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, धीरे धीरे, साफ साफ, तेज तेज, या इस तरह के अगर शब्द आए तो अव्यय भाव समास वहाँ पे करिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, मदांध, मदांध किस समास का उदाहरण है? मदांध, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, मदांध में तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब आप इसका कमेंट करके बताइए इतना सिखाने के बाद कि मदांध में तत्पुरुष समास कैसे है। ठीक है, चलिए, छमाही किस समास का उदाहरण है? छमाही किस समास का उदाहरण है आपको बताना है, तो याद रखे छमाही 6 महीनों को कहा जाता है, यहां पर संख्यावाचक का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया द्विगु समास से, इससे संबंधित, समास से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आगे मैं 2-3 दिनों तक आपको बिजी रखूंगा, डेली 50-100 क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। ठीक है, ताकि आपका जो रूटीन है वो अच्छे से बन जाए, और आप जो कन्फ्यूज होते हैं कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, और इसके बाद जब 21वां टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा वहाँ से क्वेश्चन की संख्या बढ़ के भी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हाथ जोड़कर निवेदन मेरे भाई, प्लीज़ आप शेयर करो। अगर आपको लगता है कि नितिन सर वाकई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, और स्टडी 91 आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ खाली इतना करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके आसपास में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ जो लोग बच्चे पढ़ते हैं बच्चे उनको बताइए, जो गरीब परिवार से हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जो एफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग को, उनको बताइए, और अपने सारे दोस्तों को बताइए, अपने फेसबुक पेज पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए। प्लीज़ अगर आपको लगता है तो थोड़ी सी भी सच्चाई अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ इतना काम जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ सभी विषयों की क्लास दी जाती है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के जो भी विषय आपको पढ़ना है सब डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।